लॉकडाउन के चलते वैसे तो व्यापार और व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ा है और प्रत्येक व्यवसाय और व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन विज्ञान में आज हमने निजी बस ऑपरेटर संस्थान के पदाधिकारियों से बातचीत की, जिनमें उन्होंने बताया कि कैसे निजी बस ऑपरेटर जो है वह इस लॉकडाउन के चलते भारी आर्थिक नुकसान को वहन कर रहा है। हमने यहाँ पर बातचीत की, बातचीत के संभावित हमारे जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से ये एकमात्र व्यवसाय ऐसा है कि जो एकदम से जो है वो रसातल में चला गया है। इन सभी गाड़ियों का चक्का जो है वो पिछले मार्च 20 से ही जाम है और ये जो घाटा लगा है ये अगर हम प्रति बस लें तो कम से कम प्रति बस इस दो माह की अवधि में प्रति बस खड़ी बस का जो है वो हमें 3-3 लाख रुपए घाटा हो चुका है। ये सीजन जो है वो बस व्यवसाय के लिए मई जून अप्रैल मई और जून का जो है वो अच्छा माना जाता है। इसमें पर्यटन का भी बढ़ावा रहता है, विवाह शादियों का भी बहुत बुकिंग रहती है गाड़ियों, लेकिन ये 3 महीने जो है वो हमारे बिल्कुल ही शून्य पर चले गए। इसके अलावा यही एक ऐसा व्यवसाय है हमारे जिसमें खड़ी गाड़ियों का भी घाटा लगता है, जैसे ड्राइवर्स को कंडक्टर्स को रेमुनरेशन देने का है, खड़ी गाड़ियों के टायर ट्यूब खराब होते हैं, बैटरियां ख़त्म हो गई, गाड़ियों के कलर हैं और है, और किस्त जो बैंकों की है वो तो एक अलग ही है। हमें माल परिवहन और यात्री परिवहन प्रदाताओं का बहुत बड़ा इस अर्थव्यवस्था को गति देने में योगदान रहता है। यदि इनकी गति सामान्य नहीं रहेगी तो अर्थव्यवस्था को भी भली भांति गति नहीं मिलेगी।